गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में अपन दूसरे चैप्टर विलियन के अंदर इंट्रोडक्शन को पढ़ा था कि विलियन क्या है, उसके अलावा विलियन के प्रकार, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर और उसकी फिजिकल स्टेट के आधार पर विलियन के प्रकार को अपन ने डिस्कस किया था। उसके अलावा अपन ने सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयाँ भी देखी थी कि सांद्रता को व्यक्त करने की जो इकाइयाँ है, भार भार और भार आयतन मात्रक पद्धति, जिसके अंदर द्रव्यमान प्रतिशत, जैसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm, मोल अंश, मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, ये कुछ इकाइयां है जिसमें सांद्रता को व्यक्त किया जाता है कि किसी निश्चित विलयन या विलायक में उपस्थित जो विलय पदार्थ की मात्रा है वो सांद्रता कहलाती है। अब सांद्रता व्यक्त करने की जो इकाई, पहली इकाई अपन पढ़ते द्रव्यमान प्रतिशत। अब इनकी परिभाषा के लिए कोई परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है, इसी को देख के अपन परिभाषा लिखेंगे। अपन मास परसेंटेज इसको W अपॉन W परसेंटेज से दर्शा रहे। ये जो ऊपर वाला W है ये विलय पदार्थ का द्रव्यमान है और ये जो है वो विलयन का द्रव्यमान है, और परसेंटेज अपन को पता है 100 पे निकलता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत की अपन परिभाषा क्या कहेंगे कि विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, किसी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो उस विलयन के 100 भार भाग में उपस्थित है, या इसको अपन सरल शब्दों में कहे तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ का द्रव्यमान, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, मास परसेंटेज। तो W अपॉन W परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, जैसे बटे विलयन का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये मास परसेंटेज आ जाएगा। इसको अपन फॉर्मूले के रूप में लिखे तो W अपॉन W परसेंटेज बराबर, अब जैसे अपन विलय और विलायक में, मैं B को विलय मानता हूँ और A को विलायक मानता हूँ, तो विलय पदार्थ का जो द्रव्यमान है WB ग्राम बटे विलयन, विलयन में विलय और विलायक दोनों हैं, तो WB विलय पदार्थ का द्रव्यमान है, तो WB प्लस WA ये विलय प्लस विलायक से विलयन बन जाएगा। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर दो तो ये मास परसेंटेज आ जाएगा कि विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अब इस पर जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे 20 ग्राम शर्करा है, कोई 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला जाता है, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला जाता है तो शर्करा का मास परसेंटेज बताना है, W अपॉन W परसेंटेज बताओ। तो अपन को पता है कि विलय पदार्थ 20 ग्राम है और 80 ग्राम जल में, तो 80 ग्राम विलायक है, तो 20 ग्राम विलय बटे विलय प्लस विलायक, 20 प्लस 80 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20 बटा 100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएंगे तो 20% W अपॉन W, तो 20% जो है वो शर्करा का मास परसेंटेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि इसमें घनत्व देके भी पूछ सकता है कि इसके अंदर घनत्व दे दे प्रश्न में और फिर तुम्हें कह दे तो उसका मास परसेंटेज ज्ञात करो। जैसे एक मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूँ जिसके अंदर घनत्व दिया हुआ है, देखो डेंसिटी को देते हैं। अब जैसे इसमें डेंसिटी को देखकर अपन क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल है
कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को जल में घोलकर विलयन बनाया गया है तथा इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है। तो इस विलयन में ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। अब देखो, इस क्वेश्चन में मैंने घनत्व को भी दिया है कि इसके अंदर 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को जल में घोलकर 500 ml विलयन बना दिया और इसका घनत्व दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर ml, तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। अब अपन को पता है द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल है, तो WB जो है वो 11 ग्राम दिया हुआ है, विलेय पदार्थ है वो 11 ग्राम है, लेकिन विलयन का द्रव्यमान ने दिया है, ये विलयन का आयतन दे दिया, तो अपन को पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, D बराबर m बटा v, अपन को द्रव्यमान निकालना है इसलिए m बराबर हो जाएगा D गुणा v। अब D दिया हुआ है 1.1 ग्राम प्रति ml गुणा v दिया हुआ है 500 ml, ये कैंसिल हो जाएगा तो 550 ग्राम आ जाएगा, ये विलयन का द्रव्यमान आ गया। अब अपने मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओ, W अपॉन W परसेंटेज बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान 11 ग्राम बटे विलयन का द्रव्यमान कितना आया 550 ग्राम, इंटू 100 कर दो, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 11 से 55 पांच बार, 5 से 10 दो बार कट जाएंगे, 2% W अपॉन W, ये इसका मास परसेंटेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान देना, यदि तुम्हें घनत्व दे दे और फिर मास परसेंटेज आ जाए तो D बराबर m बटा v से m निकालना, फिर इसके बाद इस फॉर्मूले में विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 हो जाएगा, तो ये मास परसेंटेज आ जाएगा। तो पहली इकाई अपन ने जो पढ़ी है वो द्रव्यमान प्रतिशत है, परिभाषा को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को देख कर ही अपन परिभाषा बोलनी है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। तो किसी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो उस विलयन के 100 भार भाग में उपस्थित है, या इसको अपन सरल शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो मास परसेंटेज कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। उसके बाद में अगली जो इकाई लेता हूं मैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दूसरी इकाई लेते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मास वॉल्यूम परसेंटेज W अपॉन V परसेंटेज, मास वॉल्यूम, ये जो ऊपर W लिखा है ये विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है और नीचे जो V लिखा है ये विलयन का आयतन है, और प्रतिशत अपन को पता है 100 पे निकलता है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो उस विलयन के 100 आयतन में उपस्थित है, जो उस विलयन के
100 आयतन भाग में उपस्थित है, या इसको सरल शब्दों में कहे तो 100 ml विलयन है। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो फॉर्मूला होगा W/V परसेंटेज बराबर, W का मतलब है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, बटे इस V का मतलब है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में, और प्रतिशत है तो 100 से गुणा कर देंगे, मतलब इसको फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे W/V परसेंटेज बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जैसे W ग्राम या W/B ग्राम, ये विलेय पदार्थ है, और विलयन का आयतन जैसे V ml, और इंटू 100, तो ये मास वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। और इस इकाई का जो उपयोग है अधिकांशतः मेडिसिन दवाइयों और औषधियों में, फार्मेसी के अंदर इस इकाई को ज़्यादातर काम में लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आँख की सफाई के लिए 1% W/V बोरिक एसिड को काम में लेते हैं। इसका अर्थ क्या है, 1% W/V बोरिक एसिड का मतलब है कि 1 ग्राम बोरिक अम्ल को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया है। 1 ग्राम बोरिक अम्ल को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया है, तो ये 1% W/V बोरिक एसिड है, ये द्रव्यमान आयतन इकाई है। तो ये दूसरी जो इकाई है द्रव्यमान आयतन मास वॉल्यूम परसेंटेज, परिभाषा इसी को देख के ही है कि किसी विलेय पदार्थ के बाहर भागों की वह संख्या जो उस विलयन के 100 आयतन भाग में उपस्थित है, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। और इस सांद्रता की जो इकाई है इसका उपयोग जो है अधिकांशतः फार्मेसी में ज़्यादातर किया जाता है, दवाइयाँ औषधियाँ जो बनती है उसको W/V सांद्रता की इकाई में व्यक्त करते हैं। उसके बाद में तीसरी इकाई लेता हूँ मैं PPM, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, तीसरी जो इकाई लेते हैं PPM, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, प्रति 10 लाख भाग। अब इसमें देखना PPM बराबर क्या होता है, PPM बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान, बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम। अब देखना इधर, इससे पहले अपन द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वगैरह पढ़ते हैं, या केवल आयतन प्रतिशत पढ़ते हैं तो परसेंटेज का मतलब 100 से गुणा करते हैं, और यहाँ पार्ट्स पर मिलियन है, प्रति 10 लाख भाग, 10 लाख, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं तो 10^6 लिख देंगे, तो ये PPM होता है। अब PPM की परिभाषा क्या कहेंगे कि विलेय पदार्थ के बाहर भागों की वह संख्या जो उस विलयन के 10^6 बार भाग में उपस्थित है, जहाँ 100 बार भाग कह रहे थे उसकी जगह 10^6 बार भाग शब्द को काम में लेना है, या इसको अपन सरल शब्दों में कहे तो 10^6 ग्राम जो विलयन है, 10^6 ग्राम विलयन में उपस्थित जो है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, वो PPM कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन।
ppm बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जैसे wb ग्राम बटे विलयन का द्रव्यमान wb प्लस wa इंटू 10 की घात 6, तो ये ppm में आ जाएगा। अत्यंत ही तनु विलयन बनाना है तो ये ppm सांद्रता की इकाई को काम में लिया जाता है। इस इकाई का उपयोग अधिकांशतः प्रदूषण का स्तर पता लगाने में या जल की कठोरता का पता लगाने में या जल के अंदर मिली हुई क्लोरीन की मात्रा को व्यक्त करने के लिए ppm को काम में लिया जाता है। जैसे इस पर एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे 500 ग्राम टूथपेस्ट है, अब 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड की सांद्रता, को ppm में बताइए, पार्ट्स पर मिलियन में बताना है। तो अपन को पता है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम फ्लोराइड है, तो ppm बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 0.2 ग्राम बटे 500 ग्राम टूथपेस्ट, विलयन का द्रव्यमान है 500 ग्राम गुणा 10 की घात 6। अब इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट का हटा दो 0, तो यहाँ पर ये 2/5 गुणा 10 की घात 3 ऊपर आ जाएंगे, 6 में से निकल जाएंगे 3, 5 को 2 से डिवाइड कर लो 0.4 गुणा 10 की घात 3, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 400 ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो ये जो तीसरी इकाई है पार्ट्स पर मिलियन प्रति 10 लाख भाग, तो यहाँ पर 10 की घात 6 को काम में लिया जाता है। ऐसी एक इकाई ppb भी होती है, पार्ट्स पर बिलियन, यहाँ पर 10 की घात 9 को काम में लेते हैं पार्ट्स पर बिलियन में। उसके बाद में अगली जो इकाई है मोल अंश को लेते हैं, इसमें जैसे अपन जल की कठोरता के रूप में इसको व्यक्त करना है तो इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे किसी कठोर जल के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट 16.7 ppm है, तो इसका अर्थ क्या है, किसी कठोर जल के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो 16.7 ppm में है, तो इसका मतलब क्या है कि 16.7 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, 16.7 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट 10 की घात 6 ग्राम कठोर जल में उपस्थित है, 16.7 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट 10 की घात 6 ग्राम कठोर जल में उपस्थित है, तो ये ppm है 16.7 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, उसके बाद में अगली जो इकाई है, अगली जो इकाई जिसको काम में लेते हैं वो है मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन। अगली जो चौथी इकाई है मोल भिन्न या मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन कहते हैं इसे। मोल फ्रैक्शन, मोल इसको एक्स आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब समझना मोल अंश मोल प्रभाज या मोल भिन्न क्या होती है। किसी भी विलयन या मिश्रण में उपस्थित अवयव, जो अवयव विलय विलायक है, तो उस अवयव के मोल और उस मिश्रण के कुल मोल का जो अनुपात है
वो उस अवयव का मूल अंश कहलाता है। किसी भी मिश्रण या विलयन में उपस्थित अवयव के मूल, विलय है तो विलय के मूल और विलयन के मूल, विलायक है तो विलायक के मूल और विलयन के मूल का जो अनुपात है, तो उस अवयव के मूल और उस विलयन के मूल का जो अनुपात है उस अवयव का मूल अंश कहलाता है। और मूल अंश की कोई इकाई नहीं होती है। अब इसके अंदर जैसे माना किसी मिश्रण या विलयन में बी विलय है, ए विलायक है, और विलय पदार्थ का द्रव्यमान जो है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान डब्लू बी ग्राम है और विलायक का द्रव्यमान डब्लू ए ग्राम है। विलायक का द्रव्यमान डब्लू ए ग्राम है। अब इसमें विलय का मोलर द्रव्यमान और विलायक का मोलर द्रव्यमान देखते हैं कि विलय का जो मोलर द्रव्यमान है, विलय का मोलर द्रव्यमान एम बी है और विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान एम ए है। तो अब पहले इनके मोल निकालेंगे फिर मोल अंश आएगा। तो जैसे विलय के मोल, विलय के मोल, अब मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और विलय को अपन ने बी लिया है, तो विलय के मोल बराबर क्या होंगे, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान डब्लू बी बटा एम बी। इसी प्रकार विलायक के मोल क्या होंगे, विलायक के मोल, विलायक को अपन ने ए से रिप्रेजेंट किया है तो विलायक के मोल एन ए बराबर विलायक का द्रव्यमान डब्लू ए बटे विलायक का अणुभार एम ए। अब उसके बाद में इसे मोल अंश निकालते हैं, विलय के मोल अंश, विलय के मोल अंश। अब मोल अंश को x से रिप्रेजेंट करते हैं और विलय को अपन ने b माना है, तो x b बराबर क्या होगा, विलय के मोल बटे विलयन के मोल का अनुपात, विलय के मोल है nb बटा विलयन n a प्लस n b, एन बी प्लस एन ए, ये एन बी विलय प्लस एन ए विलायक, विलय और विलायक के मूल का ये विलयन हो गया, तो ये विलय का मूल अंश हो जाएगा। जैसे विलायक का मूल अंश क्या होगा, विलायक विलय विलायक की जगह अवयव भी लिख सकते हैं, अवयव एक दूसरा अवयव, ऐसे विलायक का मूल अंश, विलायक का मूल अंश x a बराबर क्या हो जाएगा, विलायक के मूल n a बटे उस मिश्रण के कुल मूल n b प्लस n a, n b प्लस n a, तो ये विलायक का मूल अंश है, ये विलायक का मूल अंश है। तो इस प्रकार से मूल अंश की परिभाषा क्या हो गई, किसी भी मिश्रण या विलयन में उपस्थित अवयव के मोल और उस मिश्रण के कुल मोल का जो अनुपात है वो उस अवयव का मोल अंश कहलाता है। जो अवयव है उसके मोल और मिश्रण के कुल मोल का जो अनुपात है उस अवयव का मोल अंश कहलाता है। और अवयव जितने भी अवयव उपस्थित है उनके मोल अंश का जो योग है वो हमेशा एक होता है। जैसे देखना एक्स बी प्लस एक्स ए को अपन जोड़े, एक्स बी प्लस एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एन बी प्लस एन ए, और नीचे अपन इनका लसप लेंगे तो एन बी प्लस एन ए आ जाएगा, एन बी प्लस एन ए से कट जाएगा एक, इसलिए एक्स बी प्लस एक्स ए बराबर एक। कि किसी मिश्रण में उपस्थित अवयव के मोल अंश का योग जो है वो हमेशा एक होता है।
अब अपन को किसी एक अवयव का मूल अंश पता है और दूसरे का निकालना है, जैसे x a बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, मतलब मूल अंश के अंदर अपने एक अवयव का मूल अंश निकाल दिया तो दूसरे अवयव का निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा एक में से घटा दो तो वो उस दूसरे अवयव का मूल अंश आ जाएगा। तो ध्यान रखना, मूल बीम या मूल प्रभाज या मूल अंश एक्स आई, मूल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, किसी भी मिश्रण या विलयन में उपस्थित अवयव के मोल और उस मिश्रण के कुल मोल का जो अनुपात है वो उस अवयव का मूल अंश कहलाता है, उस अवयव का मूल अंश कहलाता है। और यहाँ पर मूल अंश की कोई इकाई नहीं होती है, मोल से मोल कट जाएगा। अब मोल अंश का फॉर्मूला लाने के लिए, माना किसी द्विअंगी मिश्रण में विलेय B है, विलायक A है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान WB ग्राम, विलायक का द्रव्यमान WA ग्राम, विलेय का मोलर द्रव्यमान MB है और विलायक का मोलर द्रव्यमान MA है, इसके अंदर दो अवयव है कोई भी, तो विलेय का मोल क्या होगा, NB बराबर WB बटा MB, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलायक के मोल क्या होंगे, विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। अब इन दोनों से विलेय के मोल अंश क्या होंगे, विलेय के मोल NB बटा उस मिश्रण के कुल मोल NB प्लस NA, ऐसे कैसा, विलायक के मोल मोल अंश XA बराबर विलायक के मोल NA बटे मिश्रण के कुल मोल NB प्लस NA, तो ये दूसरे अवयव का मोल अंश आ जाएगा, ये पहले अवयव का मोल अंश आ जाएगा। और किसी भी मिश्रण में उपस्थित जितने भी अवयव हैं उनके मोल अंश का योग जो है वो हमेशा एक होता है, मोल अंश का योग क्या होता है, हमेशा एक। तो ये जो है वो सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई थी मोल अंश, मूल भिन्न या मूल प्रभाज। उसके बाद में अगली इकाई जो लेते हैं इसमें मोलरता और मोललता, उससे पहले इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं मोल अंश पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें 20 ग्राम NaOH को 80 ग्राम जल में घोला जाता है, अब देखना 20 ग्राम NaOH को 80 ग्राम जल में घोला जाता है तो NaOH वह जल का मोल अंश बताइए, का मोल अंश ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को इनके मोल निकालने, सबसे पहले जैसे NaOH, NaOH के मोल NB बराबर WB बटा MB, विलय पदार्थ की मात्रा दी है 20 ग्राम, ये 20 ग्राम बटे NaOH का अनुपात निकालो, मोलर द्रव्यमान कितना होता है, Na का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 ये हो गया 40, तो 40 ग्राम मोल इनवर्स, तो ये कट जाएगा 0.5 मोल। अब उसके बाद में जल के मोल निकालते, जल के मोल एन ए बराबर, अब जल कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम दिया हुआ है बटे जल का अनुपात कितना होता है, मोलर द्रव्यमान 18, तो 18 से इसको कैंसिल कर लो, 2 से 9 बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, 40 बटे 9 फिर 4.4 ये मोल जैसे आ गया। अब उसके बाद में NaOH के मोल अंश निकालने हैं तो एक्स ए बराबर क्या होता है, एन ए एक्स बी बराबर एन बी
बटा एन बी प्लस एन ए। अब जैसे एन एच के मूल कितने, 0.5, 0.5 बटा विलय प्लस विलय के मूल 0.5 प्लस 4.4, 0.5 प्लस 4.4, ये एन एच का मूल अंश आ जाएगा। तो 0.5 बटे 4.9, तो इस प्रकार से 0.5 में 4.9 का भाग दे दो, ये जो आएगा वो NaOH का मूल अंश आ जाएगा। और जल का मूल अंश निकालने के लिए फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा एक में से घटा दो। तो ध्यान रखना, किसी भी मिश्रण में जो अवयव हैं इनके मूल अंश का योग जो है वो इकाई होता है। उसके बाद में अगली जो सांद्रता की इकाई लेते हैं, मोलरता और मोललता। मैं मोलरता और मोललता को एक साथ ही समझाते हैं, जिससे इसमें अंतर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसमें कई बार अंतर पूछते हैं मोलरता और मोललता में। अगली जो इकाई है पांचवी, मोलरता मोलरता मोलेरिटी, जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक इकाई होती है मोललता, मोललता इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलेलिटी। ये एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के अंदर जो मोल हैं वो उस विलयन की मोलरता कहलाएगी। और यहाँ पर एक किलोग्राम विलायक लेना है, एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित जो विलय पदार्थ के मोल है वो उस विलयन की मोललता कहलाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मोलरता और मोललता, फॉर्मलता और नॉर्मलता को। अभी जो अपन ने चार सांद्रता की इकाई को डिस्कस किया है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पीपीएम और मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज। अगली जो इकाइयां हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।